आज नामांकन का आखिरी तिथि है और आज मंत्री बेबी देवी का भी नामांकन है और आज एनडीए का उम्मीदवार यशोदा देवी का भी नामांकन है। उसमें कई लोग आए, काफी संख्या में लोग यहाँ दोनों पार्टी का भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी सी परेशानी बढ़ी है, लेकिन इस बारिश के दौरान में भी हम एनडीए के जो साझा उम्मीदवार है भाजपा के, उनसे यहाँ बात करते हैं। पूर्व विधायक पाटिल जी भी है, यहाँ नगेंद्र जी हमारे है गठबंधन के, हम इन लोग से बात करते हैं कि क्या इस जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया के तहत में क्या आगे आप लोग का रणनीति है और क्या आगे कुछ करने का है। जी, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र जी से। सर, आप बताएं कि आज जो नामांकन जो आ रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार का सोता देखे, उसके लिए क्या आप लोग कमर कसे हैं? देखिए, एनडीए और इंडिया दोनों के साथ मिलन और एनडीए की टीम यशोदा देवी है और पूरे क्षेत्र में कार्य करती रही और पूरे क्षेत्र में अलग पहचान बनाई, पकड़ बनाई और एनडीए सरकार ने झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब जब झारखंड राज्य के सवाल पर उन्होंने समझा बुझा और झारखंड राज्य को और जो वर्षों से संघर्षशील थे उनकी जो बात थी, जिनके साथ समझौता थी, उन्होंने कभी झारखंड को पलट करने और अटल जी ने राज्य का निर्माण किया। और जब एनडीए की सरकार बनी तो झारखंड में आमूल चोल परिवर्तन हुआ, साथ ही पूरे देश में। और जब आज यहाँ पर इंडिया की सरकार है तो 4 साल गुजर रहा है, यहाँ की हालात क्या है यहाँ की तमाम जनता जानती है। इसलिए मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ मिलकर के करें ताकि इस क्षेत्र में पूरे झारखंड प्रदेश में एक संदेश जाए कि सही मायने में झारखंड का उद्देश्य क्या था, झारखंड राज्य निर्माण से क्या हुआ और क्या हो रहा है, इस पर तजुर्बा करने के लिए। लेकिन सवाल है कि जेएमएम का कहना है कि सीगु सुरंग के लेके झारखंड अलग नहीं, सीगु सुरंग का मानना है कि सीगु सुरंग के वजह से ही झारखंड अलग हुआ और आप जैसे एनडीए के कहते हैं, तो ऐसे दोनों पक्ष जो है और आज टकराव भी दोनों पक्ष का है। बहुत बढ़िया बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन किया, आंदोलन को बेचा के आंदोलन तो हुआ, लेकिन आंदोलन का बेचा किसने, उसको भी गौर करना होगा यहाँ की जनता को। आज जो आदमी आपसे कट करके रहा, बनांचल राज बीजेपी वाले कहते थे बनांचल राज अलग करो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बनांचल नहीं दे करके झारखंड राज्य का निर्माण करवाया, ये सबसे बड़ा हम सब। और आप नरसिंहा राव के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में, क्या उन्हें उससे राज दे सकते है? इनका कोई तर्क दे सकता है उन लोग तर्क? नागेंद्र मोदी से क्या तर्क लगाएगा? हमसे इतनी बात नहीं कर सकता, इन लोग हाथ नहीं बात करने का। इसलिए एनडीए की उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगी और पूरे झारखंड में अलग पहचान बनेगा। धन्यवाद। तो आपने कहा कि जैसे जेएमएम का मानना है कि सीबू सुरंग का बेन है, सीबू सुरंग आंदोलन किए लेकिन आंदोलन बेचने का भी काम किए, ये उक्त बात नागेंद्र महतो ने कहे आज इस नामांकन के दिन में और उम्मीदवार अपने साझा उम्मीदवार को जिताने की अपील भी किए जनता से। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।